दोस्तों मीशो की तरफ से जो है ना पहले भी लोगों को लेटर्स और जो है स्क्रैच कार्ड मिल चुका है 2022 के अंदर, लेकिन 2023 की शुरुआत के साथ ही जो है स्क्रैच कार्ड और लेटर पर 2023 लिख करके जो है मीशो की तरफ से लोगों को जो है लेटर और स्क्रैच कार्ड फिर से मिलने लगा है। इसका लुक मैं पहले आपको दिखाना चाहूँगा, कुछ इस तरीके के ये लेटर्स हैं और यहाँ पर मैं एक और चीज़ शो करूँगा कि भाई कहाँ से ये लेटर आ रहे हैं। ये सब चीज़ें भी आप देख सकते हो कि ये लेटर्स कहाँ से आ रहे हैं। और इसके अलावा जो है स्क्रैच कार्ड पर लिखा हुआ है कि आप स्विफ्ट डिजायर जीत सकते हो 8,60,000 रुपए का, और स्क्रैच करने के लिए वहां दिया हुआ है। ऑब्वियसली जैसे आप स्क्रैच करोगे तो आप जीत जाओगे, ठीक है। और दूसरी बात, यहां पर एक और चीज दिखाया गया है कि अगर आप नहीं जीतते हो तो 1,20,000 रुपए आपको कैश मिल जाएगा, बट होने वाला एक्चुअल में यह है कि आप 1,20,000 भी और साथ में जो है 8,60,000 भी, ये दोनों यानी कि कार भी जीतोगे और कैश प्राइज भी जीतने वाले हो, ऐसा सिस्टम होने वाला है। खैर यहां पर जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो की मदद से यही बताना चाहता हूं भाई कि पास्ट में भी जो है लोगों को इस तरीके के लेटर्स, इस तरीके के स्क्रैच कार्ड मिले हैं और अभी भी मिल रहे हैं 2023 के नाम पर, और हो सकता है कि फ्यूचर में जो है इसी में थोड़ा सा चेंजेस करके जो है लोगों को मिलने लगे मीशो के नाम पर ऐसा ही कोई स्क्रैच कार्ड, कोई लॉटरी कार्ड, कोई जो है लेटर, मतलब इस तरीके के कार्ड्स आपको मिल सकते हैं। तो यहां पर देखो, सबसे पहले मैं आपको शो कर देता हूं मीशो की तरफ से जो लिखा हुआ है, आप लोग देख सकते हो। मीशो का कहना यह है कि हमारी तरफ से जो है कोई भी लॉटरी, कोई भी इस तरीके का स्क्रैच कार्ड, कोई भी इस तरीके का सीन जो है अभी नहीं चलाया जा रहा है। इसके जो है मीशो ने अपना मेल आईडी भी दिया हुआ है जहां पर जो है आप इनको वो एविडेंस को या फिर यूं कह लीजिए तो भाई वो जो आपके पास लेटर्स या स्क्रैच कार्ड आया है उसको शेयर कर सकते हो मीशो की टीम को, ये कंफर्म करने के लिए कि ये रियल है या फेक। ऑब्वियसली ये फेक है बट आप पूछ सकते हो फिर भी। और ये लोग आपको ये कहने वाले हैं भाई कि आप भले जो है कैश अमाउंट जीते हो यहां से 1,20,000 का, या फिर जो है आपने कार्ड जीत लिया है, आपको कार्ड चाहिए तो कार्ड मिल जाएगा, अगर आपको पैसा चाहिए तो पैसा मिल जाएगा, या फिर टोटल जो भी चीज चाहिए आपको मिल जाएगा, और इसको लेने के लिए जो है आपको कुछ चार्जेस देने होंगे। पहला चार्जेस ये लोग आपको जो है डिमांड करने वाले हैं वो होने वाला है रजिस्ट्रेशन चार्जेस, ठीक है। ये आपको कहेंगे कि भाई रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको देना होगा। इसके अलावा जो है ये लोग कह सकते हैं आपको कि आपको सर्विस चार्जेस देना होगा या टैक्स देना होगा। इसके अलावा आपको ये कह सकते हैं, अगर आप कहते हो कि मेरे को गाड़ी चाहिए तो ट्रांसपोर्ट का चार्जेस मांग सकते हैं ये लोग आपको। इसके अलावा जो है RC आपके नाम पर करवाने के लिए वो उसका चार्जेस ले सकते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन होगा आपके नाम पर गाड़ी का, तो इसलिए जो है उसका चार्जेस दीजिए। इसके बाद ये लोग आपसे बात करेंगे कि भाई TDS टैक्स देना होगा आपको, गवर्नमेंट को जाएगा ये TDS टैक्स। वाकई में जब आप कोई भी लॉटरी या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जीतते हो जो कि इनाम के रूप में जीता जा रहा है और एक अच्छा खासा रकम है भाई, तो वहां पर जो है आपको सरकार को एक टैक्स देना होता है जो कि TDS टैक्स होता है, और 30% जो है देना होता है उसका, ठीक है। जितना आप अमाउंट जीते हो लगभग 30% के आसपास देना होता है, तो यहां पर जो है उसके बारे में आपको बताया जाएगा कि आपको TDS टैक्स देना है। तो यहां पर आप अगर गूगल करोगे तो आपको वाकई में पता चलेगा कि भाई TDS टैक्स जो है सच में दिया जाता है गवर्नमेंट को। अगर हम कोई भी लॉटरी वगैरह जीतते हैं तो आपको लगेगा कि भाई ये रियल में बंदा बोल रहा है, और आप 30% अमाउंट जो है भेज दोगे। इसके अलावा जो है वो बंदा आपसे और भी तरीके के चार्जेस ले लेगा, जैसे कि आपकी गाड़ी जो है रास्ते में है, पहुंचने वाली है, यहाँ कुछ खर्चा आ रहा है, यहाँ पे कोई टोल टैक्स देना है, यहाँ पर कुछ ऐसा वैसा, मतलब इस तरीके की बात बता बता करके भाई लोगों के साथ जो है लाखों का स्कैम कर दिया जाता है। यहाँ पर इन वीडियोज की मदद से मैं आप लोग को यही समझाना चाहता हूँ कि बिल्कुल भी मत पड़ो चक्कर में, अदरवाइज हो जाएगा आपके साथ स्कैम। इस तरीके की बातों में बिल्कुल भी मत आना कि भाई ऐसा कोई लॉटरी आप जीते हो, ठीक है। अगर ये स्कैम आपके साथ ऑलरेडी हो रहा है तो आपको मीशो को भी बताना है, उनको मेल करके, उनकी लीगल टीम को मेल करके, और इसके अलावा जो है आप साइबर क्राइम में भी कंप्लेन कर सकते हो। आई होप गाइस आप लोग मेरी बात को समझ गए हो, और अब मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में। अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हो किसी भी ऑनलाइन स्कैम की जानकारी को तो आप शेयर कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम आईडी और जीमेल आईडी आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर से चेक कर लेना। और चैनल पर आप पहली बार आए हो तो प्लीज यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहां पर हमेशा आपको अवेयरनेस वाली वीडियोस देखने को मिलेगा ताकि आप लोग अवेयर हो पाएं और आपके साथ कभी भी ऐसा स्कैम नहीं हो। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट अवेयरनेस वीडियो में, थैंक यू सो मच।